हेलो एवरीवन, चलो आज हम एक झटपट स्नैक्स बनाते हैं। जो भी वेजिटेबल आपके पास अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। मैंने लिया है गोभी, टमाटर, प्याज, हरा धनिया और ये मेरे पास मल्टीग्रेन ब्रेड है, चीज़ है और बटर है। चलो तो हम झटपट स्नैक्स बनाते हैं। मुझे यकीन है ये स्नैक्स आपको ज़रूर पसंद आएगा। चलिए, सारी सब्जी मैंने बोल में डाल दी है। अभी इसमें हम लोग थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और थोड़ा केचप डाल देंगे। दोस्तों, केचप डालेंगे तो आपको ऊपर से केचप डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी रेड चिल्ली पाउडर, आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हो आपके स्वादानुसार। मैंने रेड चिल्ली पाउडर डाली है और आप इसको मिक्स कीजिए। अच्छे से बटर लगा लीजिए। ये फिलिंग आप इसके ऊपर डाल दीजिए। आप इसमें कॉर्न, पनीर, कोई भी फिलिंग ले सकते हो, स्टफिंग ले सकते हो। बाहर देखो कितनी अच्छी पंछियों की आवाज़ आ रही है। देखिए, हमने ब्रेड पे पूरी सब्जियां डाल दी है। अभी हम इस पे चीज़ डाल देते हैं। चीज़ आप अपने स्वादानुसार डालिए। आपको बहुत चीज़ चाहिए तो आप भर के भी चीज़ डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा ही डाला है क्योंकि मैं पहले ही हेल्दी हूँ तो ज़्यादा चीज़ खाऊँगी तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैंने थोड़ा ही डाल दिया। और आप बच्चों को ये बनाओगे तो उनको बहुत ही अच्छी लगेगी ये डिश। देखिए, मैंने पैन रख दिया था गैस पे। पैन गरम हो गया है तो मैंने दोनों भी ब्रेड के स्लाइस रख दिए हैं। अभी इसको हमें ढक्कन लगा के एक 5 मिनट के लिए रख देते हैं। देखिए, हमारे ब्रेड का स्नैक्स बिल्कुल रेडी है। आप इसको ओवन में भी बना सकते हैं, मैंने पैन में बनाया है। देखिए, अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है और आप अभी इसको चाय के साथ एंजॉय कीजिए। थैंक यू। आपको अच्छी लगी मेरी रेसिपी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।